अरविंद केजरीवाल जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, हम सभी जानते हैं। आज आपने दिल्ली जल बोर्ड की क्या हालत कर दी है, 60,000 करोड़ रुपए का आता पता नहीं है, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, क्यों दिल्ली जल बोर्ड आज घाटे में है। लगातार आप उसको सब्सिडी दे रहे हो, लगातार आप उसको ग्रांट दे रहे हो, लेकिन फिर भी आधी दिल्ली प्यासी है, आधी दिल्ली खरीद के पानी पी रही है, क्यों बताएं। वैसे ही टीटीसी में क्या हाल किया आपने, क्या प्लान बनाया कि जितने की बस नहीं खरीद रहे थे उससे ज़्यादा तो आप मेंटेनेंस पे करना चाह रहे थे, और वो मेंटेनेंस भी कब, गाड़ी खरीदते ही तुरंत आप मेंटेनेंस पे करना चाह रहे थे, हजारों करोड़ का घोटाला करना चाह रहे थे जिसको आपको कैंसिल करना पड़ा। केजरीवाल जी जवाब दो, केजरीवाल जी बताओ क्यों आप दिल्ली में अभी तक डीजल और पेट्रोल के दामों को कम नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि आपको कमीशनखोरी करने के लिए और अपना प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरों की मतलब दिल्ली वालों की जेबों को खाली करना है और अपना प्रचार प्रसार करना है। केजरीवाल जी आप बताइए, आप कह रहे थे 2 करोड़ पेड़ आपने दिल्ली में लगाए, आप मेरे को 10 लाख भी पेड़ दिखा दो जिंदा हों जो आज दिल्ली में खड़े हों, बल्कि जो पहले पेड़ थे वो भी खत्म हो चुके हैं, जो आपकी पीडब्ल्यूडी रोड पे जो ग्रीनरी थी वो खत्म हो चुकी है। केजरीवाल जी क्यों आज जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, ऊंच नीच, टूटी फूटी सड़कें दिल्ली में हैं, अगर वो घोटाला नहीं है, अगर वो करप्शन नहीं है तो क्यों ऐसी हालात हैं, क्यों इस तरीके की दिल्ली है, क्यों यमुना जी के पानी में आज कोई भी व्यक्ति नहा तक नहीं सकता, टॉक्सिक वाटर हो रखा है, वहां पे जो झाग हैं उनके पहाड़ बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, आप तो उसको ट्रीट कर रहे हो। कल हमारे नेताओं ने दिखाया जिस पानी को आप ट्रीट कर रहे हो उस पानी में से झाग निकल रहे हैं, वो पानी जहरीला है, इससे पता चलता है आप गर्दन तक नहीं आप नाक तक करप्शन में डूबे हो, और आप हम हमारी एमसीडी पे आरोप लगाते हो। अरे एमसीडी में हमने जिन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाला, जिन पार्षदों को हमारी पार्टी ने निष्कासित किया, उनको आप अपनी पार्टी में जगह दे रहे हो, उनको अपने साथ बिठा रहे हो, इससे पता चलता है भ्रष्टाचारी केजरीवाल जो है, भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है, भ्रष्टाचारी जो भारद्वाजी बात कर रहे हैं लंबी चौड़ी वो हैं, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम कर रही है, लगातार जनता की सेवा करती रही है और लगातार जनता की अच्छी तरीके से सेवा करती रहेगी। धन्यवाद।